हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम बनाएंगे आम की लौंजी मीठी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसको बनाने के लिए हमने ये 1 किलो आम लिए हैं और ये 200 ग्राम गुड़ लिया है। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आम लिए हैं। आम जो है आप कच्चे भी ले सकते हैं और थोड़ा सा पके हुए भी ले सकते हैं, इस पीले टाइप के, और दोनों की बन जाती है। तो सब मैंने ये आम छील लिए हैं, धो लिए हैं। अब इसको मैं काटूँगी, ऐसे हम काट लेंगे। और मैं इसमें, लोग गुठली फेंक देते हैं लेकिन मैं लौंजी में गुठली भी डालूंगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। लौंजी के अंदर ऐसे करके मैं काट लूंगी सारे आम। ये हमने आम काट लिए हैं। अब हम कढ़ाई रखेंगे और स्टार्ट करते हैं बनाना। गैस जलाएंगे। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ, ये सब हम डाल देंगे। उसको भूनेंगे। देखिए ये भुन गया है मसाला। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और आम भी डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और इसको 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे, ढक देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। थोड़ा सा गलाएंगे आमी को। देखिए अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच सफेद नमक डालेंगे, 1 चम्मच काला नमक डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच। देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया लौंजी तैयार हो गई है, खट्टी मीठी, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। अब हम गैस बंद करेंगे।